हेलो फ्रेंड्स, एसआई भक्ति अड्डा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसआई भक्ति अड्डा में। फ्रेंड्स, आज हम आपको साईं बाबा की व्रत कथा एवं पूजा विधि बताने जा रहे हैं। तो जो लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स, कमेंट में हमें ओम साईं राम जरूर लिखें। फ्रेंड्स, अब हम श्रवण करते हैं श्री साईं बाबा व्रत की पूजा विधि क्या है। श्री साईं बाबा का यह बहुत ही चमत्कारी व्रत है। इस व्रत को प्रारंभ करने के पूर्व हथेली के आकार का एक नया सफेद कपड़ा लेकर उसे गीली हल्दी में डुबाकर सुखा लें। गुरुवार को प्रातः अथवा स्नान आदि से परिपूर्ण होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पूर्व दिशा की ओर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर एक आसन रखें एवं उस पर साईं बाबा की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करें। अब साईं बाबा को चंदन कुमकुम का तिलक लगाएं, ताजे फूलों की माला चढ़ाएं, दीपक जलाएं एवं अगरबत्ती धूप बत्ती भी लगाएं। इन तैयारियों के पश्चात बाबा के सामने बैठकर पहले से तैयार हल्दी वाले सूखे पीले कपड़े में 1.25 रुपए अथवा 11 रुपए रखकर जिस कार्य की सिद्धि के लिए व्रत रख रहे हैं उस कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के लिए साईं बाबा से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए कपड़े में लपेट कर गांठ बांध दें तथा इसे बाबा के चरणों में रख दें। अपने मन में सामर्थ्य अनुसार 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार व्रत रखने का प्रण करें। यह कार्य सिर्फ प्रथम गुरुवार को ही करना चाहिए। बाद में प्रत्येक गुरुवार को सिर्फ विधि अनुसार केवल व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार श्री साईं बाबा व्रत की विधि पूर्ण होती है। इस विधि अनुसार व्रत करने से आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा व्रत कथा बात बहुत पुरानी है। एक छोटे से गाँव में एक गरीब परिवार रहता था। घर के मुखिया श्याम लाल थे, उनकी पत्नी जानकी देवी थी, उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम गायत्री था। गायत्री कम पढ़ी लिखी व धार्मिक प्रवृत्ति की थी। गायत्री बड़ी हुई तो उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी, परंतु घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। गायत्री का रिश्ता बड़े घर में हो पाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए उसके माता पिता ने निर्धन परिवार के लड़के से गायत्री का रिश्ता तय कर दिया। गायत्री पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कुछ कहे बिना उसने अपने माता पिता की बात मान ली। दोनों की सगाई हो गई, शादी की तारीख भी तय हो गई और कुछ ही दिनों के बाद गायत्री की शादी भी हो गई। गायत्री का पति बेरोजगार था। शादी के कुछ ही दिनों के बाद गायत्री को पता चला कि उसके पति को भयंकर बीमारी है। गायत्री ने हिम्मत नहीं हारी, उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसके पति की तबीयत प्रतिदिन बिगड़ती ही चली गई। गायत्री साईं बाबा पर बहुत आस्था रखती थी। एक दिन गायत्री अपने घर पर दुखी बैठी थी, साधु भिक्षा मांगने आया। गायत्री ने साधु को भिक्षा में भोजन कराया। साधु ने आशीर्वाद दिया, बेटी सदा सुखी रहो। गायत्री ने कहा, कैसे सुखी रहूं बाबा, मेरे पति बीमार हो गए हैं। बाबा ने कहा, बेटा तुम साईं बाबा का व्रत कर। बाबा ने बताया, व्रत में फलाहार करना या एक समय भोजन करना, साईं बाबा के मंदिर जाना या घर पर 9 गुरुवार को साईं बाबा की पूजा करना और साईं व्रत की पुस्तक 5, 11, 21, 51 भेंट स्वरूप बांटना और इस तरह साईं बाबा व्रत का प्रचार करना। साईं बाबा तेरी सभी तकलीफों को दूर कर तेरी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारिक व्रत है। साईं बाबा का सच्चे मन से पाठ करना और साईं बाबा पर अटूट विश्वास करना, देर से ही सही पर तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। गायत्री ने 9 गुरुवार का व्रत किया और उसके पति की तबीयत ठीक होने लगी। कुछ ही दिनों में गायत्री का पति पूर्ण रूप से ठीक हो गया और उसने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। गायत्री ने विधि पूर्वक उद्यापन किया और गरीबों को भोजन करा। साईं व्रत की 11 पुस्तकें भेंट कर स्वरूप बांटी। कुछ ही दिनों में उनका व्यवसाय बढ़ गया। इस तरह साईं व्रत ने उनकी तकलीफों को दूर कर दिया। जो भी व्यक्ति इस साईं बाबा की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं साईं बाबा की कृपा से पूर्ण होती हैं। दोस्तों, कमेंट में हमें श्रद्धा सबूरी जरूर लिखें। ओम साईं राम।